अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह क्या डिस्कस करते हैं? आज हम डिस्कस करते हैं जी बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के हम बेसिक ऑपरेशन को कुछ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले कहते चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है जी, आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्या है जी बेसिक ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बेसिक ऑपरेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या है हमारे पास? एडिशन। एडिशन में हम क्या करते हैं जी, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस a ऑफ b। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, ठीक है, सॉरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, एक z1 और एक z2। ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फॉर ऑल जो a b c d हमारे पास वो रियल नंबर है। ठीक है, सम ऑफ टू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हम कैसे करते हैं वो देखें। z1 प्लस z2 लिखा, z1 प्लस z2 लिखा, ठीक है, जो जो हमने ऊपर लेट की है वैल्यू। उसके बाद क्या करना होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है प्लस और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करना है। ठीक है, जब इसको हमने इसमें ऐड किया तो a प्लस c हो गया, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है तो ये हमारा रियल पार्ट है। प्लस इसको और इसको ऐड किया प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा डी, तो इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लिया तो बी प्लस डी बन गया हमारा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है, मतलब सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। ठीक है, ये था सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। अगर हम बात करें कि इसकी सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में कोई थोड़ा बहुत चेंज आएगा, इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, सिर्फ अलामत का चेंज आएगा इसमें, तो वो हम देख लेते हैं इधर ही। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा, ये प्लस का साइन, ठीक है, इसको आप प्लस ही रहने दें, ये प्लस ही रहने दें, ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जब हम इधर ऐड नहीं करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा माइनस में आ जाएगा, तो फिर ये हमारा बनेगा क्या, ये हम देख लेते हैं। अब हमने इसको और इसको पहले करना है, मतलब रियल में से रियल, ठीक है, और अब आ रही आती है इन दोनों की, ठीक है, ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है। ठीक है, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे, जैसे हमने a माइनस सी लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, प्लस ले लिया हमने, आयोटा बाहर कॉमन ही ले लिया है हमने, ठीक है, ब्रैकेट, तो इधर हमारे पास b है, b हमारा पॉजिटिव है तो b पहले आ गया, ठीक है, माइनस ये हमारा d नेगेटिव है तो d आ गया इधर नेगेटिव में। ठीक है, तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन में लिखने का। इसमें भी फॉर ऑल हमारे पास ए बी सी और डी जो हैं वो हमारे पास रियल आर में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये था हमारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन, हम दोनों को देखा है। अब आप चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या रहेंगे जी, मल्टीप्लिकेशन इसमें हम लेट करते हैं जी, हमारे पास z1 है जी एक a प्लस आयोटा b, एंड हमारे पास z2 है जी इसमें c प्लस आयोटा d, ba ये हमारे पास क्या है, ba टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, कौन कौन से, z1 और z2, ठीक है, फॉर ऑल a b और डी जो है बिलोंग करते हैं हमारे आर में से। ठीक है, हमने करना क्या है जी, प्रोडक्ट कह रहे हैं आपके मल्टीप्लाई कह रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे लेना है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास z1.z2, ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू, डॉट है सी प्लस आयोटा डी, हमें इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। इसकी मल्टीप्लीकेशन भी सेम वैसे ही करनी है जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है, कि रियल नंबर को रियल, सो रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी, रियल को रियल से करना है और जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी से ही करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट इसका ए है, अब हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, तो ये हमारा ए सी बन जाएगा। ठीक है,
और अब हम इसको इसके साथ करेंगे, मतलब एयोटा डी बी को एयोटा डी के साथ करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, ठीक है उसको हम देख लेते हैं। वो हमारा क्या बनेगा जी, प्लस है जी, इसको हमने एयोटा ले लिया, ठीक है एयोटा तो हमारा आ जाएगा ना वैसे ही साथ, तो हमारा हमने क्या करना है एयोटा एक तो ये एयोटा आ गया, इसको आप ऐसे लिख लें एयोटा बी डॉट एयोटा डी, ठीक है समझ आ जाएगी। तो ये हमारा क्या बन गया, ये ए सी तो वैसे ही आ गया प्लस एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा स्क्वायर बन गया साथ बी डी वैसे ही आ गया हमारा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम जी, हमारे पास एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि वो माइनस ही वन के इक्वल होता है, तो हमारा ए सी वैसे आ जाएगा प्लस इंटू माइनस वन और बी और डी वैसे ही आ जाएगा। क्या किया हमने, एयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन को रिप्लेस किया है और ये हमारा ये चीज बन गई है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वन हमारे पास क्या बनेगा, इधर लिख देते हैं हम ए सी, ये माइनस बाहर आ जाएगा और सॉरी बी डी, और ये हमारा बी डी रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जी नेक्स्ट बन गया, इससे इससे नेक्स्ट ये बनेगा। तो ये थी हमारे, इसमें हम फॉर ऑल कह देंगे कि हमारा ए बी सी और डी जो है वो बिलोंग करते हैं आर में से, ठीक है जैसे सेम उधर लिखा था हमने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सेम वे वही है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है मल्टीप्लिकेशन में भी हम यही करेंगे कि हमने जैसे उधर किया था ए को सी में ऐड किया था, मतलब रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में, उधर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम क्या करें, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी सेम वैसे ही होगा, रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था कि हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, किसके इक्वल होती है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास क्या है जी द्विघात की ले रहे हैं हम, वो तो ये लिखा रह लेते हैं, ये आ जाएगा लेट करते हैं जी हम इसमें जी वन इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है एंड जी टू इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। तो इधर हम डिवीजन लिख लेते हैं, ये हमारा डिवीजन आ गया। इसमें हमने करना क्या है, जिस इधर हमने ये प्रोडक्ट लिखा है तो इधर हम ये सारा ही अपरेज कर देते हैं, ठीक है इधर अब हम डिवीजन लिखेंगे, ठीक है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की हम डिवीजन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। हम हमारे पास क्या है जी, हमने जी वन और जी टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, ठीक है एक हमने क्या लिया है ए प्लस आयोटा बी और दूसरा हमने सी प्लस आयोटा डी लिया है, ठीक है इसको अब हम देखते हैं कि हमने कैसे इसकी डिवीजन करनी है, ठीक है वो हम इधर देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसकी डिवीजन। डिवीजन क्या है जी हमारे पास, ये चीज है ना हमारे पास ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आयोटा डी, इसको अब हम कहते हैं कि रेशनलाइज। रेशनलाइज का नाम आपने सुना होगा कि जो हमारा नीचे होता है उसके हमने ये वाला साइन चेंज करना होता है, ठीक है सेम एज नीचे भी, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा, इसमें हम क्या करेंगे जी, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा ए प्लस आयोटा बी आ गया, ठीक है ये हमारा सी माइनस आयोटा डी आ गया, पर नीचे क्या बना सी को सी से किया तो सी स्क्वायर हो गया, ठीक है ये हमारा प्लस सॉरी अब ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यही है, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो सी का स्क्वायर आ जाएगा साथ माइनस है, तो इधर आयोटा भी है आयोटा का स्क्वायर भी आएगा और हमारे पास क्या आएगा जी डी का स्केयर, ठीक है जी। अब हमने ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन पीछे हम करके हैं वही सेम इसी का हम इधर भी करेंगे, वो अब हम रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ गया, ठीक है माइनस क्यों इसकी वजह से माइनस आ गया, अब हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से करेंगे, जब हमने आयोटा को किया तो आयोटा स्केयर बन गया और बी डी आ गया साथ में, ठीक है नीचे हमारे पास क्या आ गया सी स्केयर तो वैसे ही आ गया माइनस भी वैसे ही आ गया, एयोटा स्केयर हमारे पास माइनस वन के इक्वल है
और ये वैसे ही आ गया, ठीक है। तो ये हम आप क्या करेंगे, ए सी तो वैसे ही आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस वन के इक्वल है, और बी डी वैसे ही आ गया हमारे पास। इधर हमारे पास क्या बच गया है, सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हमारे पास डी स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये बन गया हमारा, इससे नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, ये इधर देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, ए सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा बी डी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने डिवीजन कैसे करनी है, वो हमने ऐसे करनी है जैसे हमने की है, ठीक है। ये सारा हमारे किसके इक्वल आ रहा है, जी वन डिवाइडेड बाय जी टू के, ठीक है। सेम ये भी हमारा जी वन डिवाइडेड बाय जी टू है, और ये भी हमारा जी वन डिवाइडेड बाय जी टू है, क्योंकि हम डिवीजन ले रहे हैं। तो ये भी हमारा जी वन और जी टू के, सॉरी जी वन डिवाइडेड बाय जी टू के इक्वल है, ठीक है जी, क्योंकि हम डिवीजन ले रहे हैं। तो ये था ये हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें डिवीजन कैसे करनी है। तो हमने चारों को देखा है, तो हम चारों के रिलेटेड जो एग्जाम्पल है ना उसको करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई, तो फिर उसको हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टीज की जरूरत से, मतलब ऑपरेशन है जो हमें बेसिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, एग्जाम्पल हमारे पास क्या जी, जैसे कि हम ले लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या दिया गया हमें, इसमें हमारे पास जी वन ले लेते हैं हम, इसमें हम वो एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। जैसे हम सॉरी जी ले लेते हैं हम, इसको वन ओवर इसमें क्या लिया, उसमें वन प्लस टू आयोटा, उसने क्या कहा कि इसको आप अवेल्युएट करें, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस आयोटा बी में लेके, जैसे हम ये लेके आए थे हम। तो अब हम ये खुद अंदाजा लगाएंगे कि इसके इसमें हम एडिशन अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे। तो ये आपको खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं कि हमने डिवीजन कैसे की थी, हमारे पास जी वन ठीक है और जी टू, हमारे पास क्या था कि ऊपर हमने ए प्लस आयोटा बी लिखा था, नीचे हमने सी प्लस आयोटा डी लिखा था। तो इधर भी हम यही देखेंगे कि ये बटे में आ रही है, ठीक है। अगर तो ये होती वैसे ही वन प्लस टू आयोटा, फिर हम इसके एडिशन भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते थे। तो अब ये डिवीजन में आ रही है, तो हम इसको वैसे करेंगे, डिवीजन अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है, वन प्लस टू आयोटा। तो इसको हम करेंगे रेशनलाइज, ये माइनस टू आयोटा हो जाएगा, नीचे भी वन माइनस टू आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, जब वन को इससे किया तो ये तो सेम वैसे ही आ जाएगा ऊपर वाला, तो ठीक है। अब हम ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वन का स्केयर तो वन आ जाएगा, ठीक है, माइनस वन, टू का स्केयर फोर आ गया, आयोटा स्केयर साथ वैसे आ गया, ये हमारे पास वन माइनस टू आयोटा वैसे ही आ गया, नीचे हमारे पास क्या है, ये वन वैसे ही, माइनस फोर भी वैसे ही, इधर हम आयोटा स्केयर हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस वन के, ठीक है। तो ये वन माइनस टू आयोटा हमारा आ गया डिवाइडेड बाय वन प्लस फोर, तो ये हमारा आंसर क्या बना, वन माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाय फाइव। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन माइनस टू आयोटा। तो ये हमारा जी आ गया, हमने एग्जांपल ली थी, उसको हमने क्या किया है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म आयोटा की फॉर्म में ए प्लस ए बी की आयोटा बी की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना कि जी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। जी हमें दिया क्या था डिवीजन में, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो आप कोई और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे उसने दी हुई है एग्जांपल एक, वो हम ले लेते हैं, क्या है जिसने कहा है कि आप इसमें से जो है ना कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके रूट के ऊपर हमें उसने स्केयर दिया है, तो इसको हम लेट करते हैं जी, लेट हमारे पास जी ले लेते हैं हम, किसके इक्वल है, माइनस वन प्लस माइनस टू स्केयर रूट के, ठीक है। तो इसके दोनों साइड पे हम स्केयर लेंगे अगर, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस टू स्केयर रूट और होल स्केयर बन जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि आपको पता है कि इधर हमारे पास क्या है, माइनस वन प्लस और ये माइनस वन का स्केयर रूट अलहदा कर लेते हैं और टू का स्केयर रूट अलहदा कर लेते हैं, मतलब किया गया है कि माइनस टू स्केयर रूट है ना,
तो माइनस का अलग ले लिया और टू का अलग ले लिया, ठीक है। तो माइनस वन प्लस ये हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। आपको पता है हमने पीछे किया है कि आयोटा हमारे पास माइनस वन स्क्वायर रूट के इक्वल होता है और आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस वन के इक्वल होता है। तो ये एक्सप्रेशन हमने इधर यूज की है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें से क्या आएगा हमारे पास, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपको पता है इसका अगर हम स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। इसका स्केयर ओपन करेंगे हम तो ये देखेंगे माइनस वन का स्केयर क्या आ जाएगा, वन। चलो आप लिख लेते हैं एक दफा, प्लस बी का स्केयर मतलब आयोटा का स्केयर टू स्केयर रूट का स्केयर, ठीक है। माइनस टू ए भी होता है, ए हमारे पास माइनस वन है और बी सॉरी ये प्लस है तो ये भी प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बी है आयोटा टू स्केयर रूट, तो ये हमारा बन गया जी। तो इसका स्केल ओपन करेंगे माइनस वन इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में वन देगा, प्लस आयोटा स्केल किसके इक्वल होता है माइनस वन के, और टू का स्केल टू से कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस बाहर आ गया, टू टू का स्केल रूट और साथ में आयोटा आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया जी, वन माइनस टू टू स्केल रूट साथ में आयोटा आ गया। ये हमारा आंसर क्या आ गया जी, माइनस वन माइनस टू रूट टू स्क्वायर रूट और साथ में आयोटा आ गया, इधर हमारा जी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इधर हम अब क्या करेंगे, हाँ इसमें से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो पहले हम रियल ले लेते हैं कोट जी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा रियल पार्ट इसमें कौन सा जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो ये है, ठीक है। तो इमेजिनरी और जी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट इसमें से क्या है, ये आयोटा के साथ वाला माइनस टू और टू स्केयर रूट आयोटा के लिए नाम है, तो ये हमारा इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की जानन, वो क्या है ये हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या दी गई है, उसने कहा है कि इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट क्या दिया है जी, फोर प्लस फाइव आयोटा डिवाइडेड बाय फोर माइनस फाइव आयोटा, ठीक है जी। इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो क्या लेंगे जी, इसमें भी हम अब फाइव आयोटा डिवाइडेड बाय फोर माइनस फाइव आयोटा इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव आयोटा डिवाइडेड बाय फोर माइनस फाइव आयोटा मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस फाइव आयोटा डिवाइडेड बाय फोर प्लस फाइव आयोटा। तो इसमें हमने किया क्या है जी, हमने अभी पीछे डिवीजन पढ़ी है, तो डिवीजन में हमने रेशनलाइज किया था, तो इसको भी हमने रेशनलाइज किया है, इसका साइन हम इधर चेंज कर दिया है दोनों में, ठीक है, डिवीजन में भी और मल्टीप्लीकेशन में भी। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हम करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर प्लस फाइव आयोटा इंटू फोर प्लस फाइव आयोटा, ठीक है। डिवाइडर में हमारे पास क्या आएगा, फोर माइनस फाइव आयोटा इंटू फोर प्लस फाइव आयोटा, ठीक है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था जी, ए प्लस बी हो ए माइनस बी हो तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो ये स्केयर बन जाएगा। तो ये बनेगा कैसे, इधर लिख लेते हैं हम, ये क्या आएगा जी, ऊपर ए प्लस बी और ए प्लस बी है तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर आ जाएगा, सॉरी ए प्लस बी का होल स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फोर को फोर से करें तो ये सिक्सटीन आ गया, ठीक है। प्लस फोर को इससे करेंगे तो ट्वेंटी साथ में आयोटा भी आ रहा है, ठीक है। प्लस अब हम फाइव को इससे करेंगे तो तब भी ये ट्वेंटी आएगा, ठीक है। प्लस अब हम फाइव को इससे करेंगे तो फाइव को फाइव से किया तो ट्वेंटी फाइव आ गया, और आयोटा के आयोटा से किया तो आयोटा स्केयर आ गया, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला, फोर का स्केयर माइनस इंटू फाइव आयोटा का स्केयर, ठीक है। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आना था, तो ये आ गई हमारे पास क्या आ गया जी, सिक्सटीन प्लस ये फोर्टी आयोटा हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, ट्वेंटी फाइव आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस वन के। नीचे क्या आ गया, ये सिक्सटीन आ गया माइनस फाइव का ट्वेंटी फाइव आ गया और आयोटा स्केयर साथ आ गया, ठीक है। और ये 16 प्लस 40 आयोटा माइनस इधर आ गया बाहर,
25 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 इनटू ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है, तो इधर माइनस वन आ गया। ठीक है, क्या है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस नाइन, सो इसको हम पहले लिख लेते हैं माइनस नाइन प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये हम क्या लिखेंगे माइनस नाइन बाय 41 प्लस 40 ओवर 41 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्या क्या डिस्कस किया है आज, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके ऑपरेशन थे जो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, ठीक है, इन तीनों को चारों को हमने डिस्कस किया। उसके साथ जो एग्जाम्पल थी हमने उसके रिलेटेड उसको भी डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए।